दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है, जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साहसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे
उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,10,00,000 रुपए की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपए वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण
चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये
मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 45
5% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साहसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है,
आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है, एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ, उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है।
वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये
मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 45
5% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है,
आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है।
वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये
मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 45
5% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात
अपहरणकर्ता संगना है वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ, उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया
बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया।
जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है। एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें
बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े
के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज़ ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक,
चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है, उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ, उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साहसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा।
फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है, जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है।
वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों, इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक,
चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नए टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है, तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकरे, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच ही मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये
वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक, चित्राश्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है, जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है।
वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे 3 तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन 3 तक गिनता है लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है। दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी तेरे नाल लव हो गया मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेरे नाल लव हो गया मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 24 फरवरी 2012 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी तेरे नाल लव हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों मनदीप कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 45% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 67% तक लाइक किया है। तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि जेनेलिया डिसूजा, ओम पुरी, टीनू आनंद, स्मिता जेकर, वीना मलिक,
चित्रा श्री रावत, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम, नवीन प्रभाकर आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए Amazon Prime Video पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो मिनी एक युवा महिला है जो अपने पिता भट्टी के पैसे और संपत्ति पर निर्भर रहती है। उसे विवाह शब्द से नफरत है, हालांकि उसके पिता अभी भी उसे सनी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो एक अमीर परिवार का आदमी है जो सिर्फ मिनी के कन्नाडाई ग्रीन कार्ड तक पहुँच जाता है। वीरेन एक मेहनती साधारण व्यक्ति है जो कारों के बेड़े के साथ अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी बनाने का सपना देखता है, जिसके लिए वे कड़ी मेहनत से पैसा बचा रहा है। वे भट्टी के लिए रिक्शा चालक के रूप में काम करता है और अपनी बचत और अपने रिक्शों की सीट के नीचे रखता है। भट्टी ने एक दिन अपने सभी रिक्शे बेच दिए वीरेन की बचत के साथ। उनमें से एक में 60,000 और कारों का एक नया बेड़ा खरीदार है। वीरेन अपने खोए हुए पैसे के गम में डूबने के लिए नशे में धुत हो जाता है। नशे में धुत होकर वे अपने पैसे वापस मांगने के लिए भट्टी के दरवाजे पर पहुंच जाता है, जबकि मिनी की सनी से सगाई चल रही होती है। बहस शुरू हो जाती है और वीरेन पिस्तौल पर हाथ रख देता है। वीरेन भट्टी से कहता है कि वे तीन तक गिनेगा या उसे गोली मार देगा। वीरेन तीन तक गिनता है, लेकिन नशे में होने के कारण चूक जाता है। आगामी हंगामे के बीच मिनी ने अपनी शादी रद्द करने के अवसर का लाभ उठाया और वीरेन को उसका अपहरण करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे उन्हें अपने पिता की नई टैक्सियों में से एक में ले गया। साइसी मिनी वीरेन के साथ एक सौदा करती है कि वे उसके निर्देशकों का पालन करेगा और उसके पिता से 1,010,000 रुपये की फिरौती मांगेगा। फिर वे अपने खोए हुए 60,000 रुपये वापस पा सकता है और बाकी रकम वे अपने पास रखेगी, क्योंकि वे घर वापस जाकर शादी नहीं करना चाहती। जबकि फिरौती पत्र भट्टी के रास्ते में है, दंपति किसी के खाली घर में प्रवेश करते हैं और गुजारा करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रक्रिया में उन्हें प्यार हो जाता है और वे एक दूसरे के साथ रहकर खुश होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब सनी और भट्टी फिरौती की रकम देने आते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और मिनी को वापस लेने की उम्मीद में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अचानक मिनी और वीरेन को एक नए व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और चौधरी, जो एक कुख्यात अपहरणकर्ता संगना है, वे घर ले जाया जाता है। चौधरी फिरौती मांगकर अपनी जीविका चलाता है और तब पता चलता है कि वीरेन उर्फ छोटू चौधरी का बेटा है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।